फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आपकी क्रेजी राइडर रूडी और रुक्जदीप आपके सामने आज पेश करने वाले और एक टाइकास्ट मॉडल की रिव्यू जो है महिंद्रा बोलेरो बाय सेंटी टॉयज। चलिए आ जाइए। जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग हैज बीन मेड। घुमा के आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मॉडल देख लीजिए, वो सही बनाया गया है सेंटी के गाड़ी का। भाई मैं तो बहुत शॉकिंग था। ये 1:30 स्केल का सेंटी का महिंद्रा बोलेरो है। ये फर्स्ट मॉडल नहीं है, लास्ट मॉडल है, ये जो एकदम नया वाला जो मॉडल है यही है। और इसके बाद शायद ही सेंटी ने बोलेरो का और कुछ मॉडल बनाया गया है, बट दिस इज़ द ओनली बोलेरो मॉडल विच इज़ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट बाई सेंटी। ऑब्वियसली आप महिंद्रा के खुद का मर्चेंडाइजमेंट भी मिल जाएगा, वो अलग है, उसका डिटेल बहुत ही अलग होगा, उसका प्राइस रेंज भी हाई है। क्योंकि मैं जब ऑनलाइन देखा था महिंद्रा का जो खुद का बोलेरो का मॉडल है डाइकस्ट, उसका प्राइस वॉज समवॉट अराउंड 800 ऐसा ही कुछ था, मुझे पता नहीं अभी। पर इसका जो मॉडल प्राइस है इट्स 180 to 200 ऐसा ही कुछ है, तो इट्स बिट चीप। बट चीप का मतलब ये नहीं कि इसका बिल्ड क्वालिटी ख़राब है या तो इसका डिटेलिंग ख़राब है। आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, बहुत हेवी मॉडल है, सॉलिड मॉडल, हेवी नहीं बोलूँगा, ये सॉलिड मॉडल है पर अच्छा है। रबर टायर्स दिए गए हैं सामने, देखिए इसका जो ग्रिल है ये मोल्डेड प्लास्टिक से बनाया गया है, और महिंद्रा का लोगो भी आप देख सकते हो यहाँ पे बोलेरो लिखा गया है। और ये एज्ड प्लास्टिक हेडलैम्प्स, उतना सामने वाला उतना भी डिटेलिंग में है नहीं। आप यहाँ नीचे आप देख सकते हो फॉग लाइट्स, आप यहाँ पे लगाने का जगह, ओपनेबल डोर्स है नहीं, ये सॉलिड मॉडल है। सॉलिड मॉडल मीन्स कुछ खुलेगा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या दिया गया। हाँ, ये ट्यूबलाइट के वजह से आपको ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है बोलेरो। आप पीछे के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोलेरो, पीछे का फ्यूल कैप और बोलेरो के पीछे एयर वेंट, सामने का दरवाज़ा का हिंज भी आप देख सकते हो, ये डिटेल में दिया गया है, बहुत अच्छा है, सेंटी है भाई। ये पीछे देखिए, हाँ यहाँ पे स्टिकर में जो छेद है वो कुछ भी नहीं, मैं ओपन किया था इस गाड़ी को तब वहाँ पे एक स्क्रू हुआ करता, उसको मैंने अनस्क्रू किया था इसीलिए वहाँ पे छेद है। पर आप देख सकते हो इसमें क्या, हाँ टेल लाइट्स भी फिक्स्ड है अंदर में। पीछे का दो सीट्स है, मिडिल में भी है, सामने सेम गोज आउट हियर ऑल्सो बोलेरो। अगर आप देखो के अंदर में तो ये देखिए स्टीयरिंग कलर नहीं किया गया है, बाद में मैं कोशिश करूँगा इसको इंटरनली कलर किया जाए। देख सकते हो डिटेल्स इसका, डैशबोर्ड कितना सुंदर बनाया गया है, और नीचे में ये देखिए क्या लिखा गया, महिंद्रा बोलेरो स्केल 1:30 सेंटी टॉयज। ओके, सामने देखिए आप यहाँ पे गियर बॉक्स, स्वाम्प, फाइनल ड्राइव असेंबली, एग्जॉस्ट पाइप, पीछे ये देखिए एग्जॉस्ट पाइप का एग्जिट और फ्यूल टैंक, डिटेलिंग दिया गया है इसमें। ऑल इन ऑल मॉडल सही नहीं, सही मायने में रखे तो बहुत अच्छा है। और इसके जो टायर्स हैं, हाँ जो इम्पोर्टेंट है, इसका टायर्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन है नहीं, एकदम परफेक्ट इस गाड़ी का, क्योंकि बोलेरो का टायर ऑल इन ऑल मोटा होता है। इस गाड़ी में मैं अगर सामने से आप देखोगे तो गाड़ी के हिसाब से मॉडल के टायर भी सही है, अच्छा लग रहा है इसको अगर सामने से आप देखोगे ना, एक रियल मॉडल जैसे ही रहेगा। अनलाइक दिस इट्स काउंटर पार्ट जो सेल्सी का टाटा सुमो है, जो इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू दिया है, साइड बाई साइड अगर इसको रखे तो स्केल एक ही जैसा है, 1:30 स्केल में भी है, बट टाटा सुमो का मुझे नहीं लगता ये 1:30 स्केल का है, ये शायद ही आपका 1:30
32 स्केल का होगा, क्योंकि ये टाटा सुमो थोड़ा सा छोटा है बोलेरो से। ऐसे कैमरे के सामने तो आपको देख के पता नहीं चलेगा, सामने रखोगे दिखने में एक ही जैसा लग रहा है, एक ही स्केल का है, बट इन रियल लाइफ स्केल का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका बिल्ड क्वालिटी देखिए और इसका बिल्ड क्वालिटी देखिए, कितना डिटेल्ड है। इसका उतना अच्छा नहीं पर फिर भी है, जो भी अच्छा है, देसी गाड़ी है, ख़राब तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेफर मैं करता हूँ। रोलिंग भी बहुत स्मूथ होता है, देखिए आपको ये गाड़ी ऑनलाइन मिल जाएगा या बिग बाजार या ऐसा ही दुकान में मिल जाता है, ये अवेलेबल है मार्केट में सिंटिका भी। देखिए कितना शानदार मॉडल बनाया गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर नहीं लगे तो भी कमेंट दीजिएगा, लगे अगर अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट दीजिएगा, और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर, आप लोग अगर कमेंट करोगे बहुत अच्छा लगेगा मुझे, एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चलेगा भाई कोई तो देख रहा है ये वीडियो, क्योंकि इंडिया में डाईकास्ट मॉडल का चाहत नहीं है, नहीं बोलूँगा है, पर उतना भी क्रेज नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो डाईकास्ट मॉडलर्स हैं तो हम लोग चाहते हैं कि लोग आए, हम लोगों का पागल पुतिन खुद को भी शामिल करे, अच्छा लगे, क्योंकि देखिए गाड़ी किसको नहीं अच्छा लगता है, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता ही है। तो देखिए मेरे इंस्टाग्राम पेज में कैडेट सेन, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब गाड़ी का तस्वीर मिल जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट दिन के लिए मैं लेके आऊँगा और एक वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।